दिन भर हड़कंप के बाद पकड़ा गया मासूम की हत्या का आरोपी संदीप जैन। NSA की कार्रवाई शुरू। झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा के पास अवतार वंशकार नाम के व्यक्ति की 9 वर्षीय बेटी शनिवार की सुबह अचानक लापता हो गई। मामले की जानकारी विश्वविद्यालय चौक की पुलिस को दी गई। इसके बाद अवतार उसके साथ ही बच्ची को ढूंढने के लिए क्षेत्र में निकले। इसी बीच एक खाली प्लॉट में कपड़े की चादर में बंधा हुआ मीनू का शव बरामद किया गया। मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। इसके बाद DIG झांसी, SSP झांसी, SP सिटी, CO सिटी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पकड़ा गया हत्या आरोपी संदीप। मामले को गंभीरता देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मासूम की हत्या के आरोप में पंडित पिता द्वारा संदीप जैन के खिलाफ तहरीर दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SSP झांसी के निर्देश पर अलग अलग टीमें बनाई गई। टीम को सफलता मिली, संदीप जैन को पकड़ लिया गया। संदीप जैन के खिलाफ धारा 302, 201 SC/ST के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP झांसी ने बताया संदीप जैन को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जिलाधिकारी झांसी आंद्रा वामसी ने मीडिया को बताया शनिवार की सुबह मासूम के लापता होने की जानकारी मिली थी। पुलिस विभाग अविलंब घटना की पड़ताल में लग गया था। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से काफी सबूत बरामद किए गए हैं। संदीप जैन को पकड़ लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद घटना का सही कारण सामने आएगा। एविडेंस और इंट्रोग्रेशन चल रही है। NSA की कार्रवाई के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो एक बच्ची का लाश मिला था, उसका खुलासा लगभग हो चुका है और आरोपी को हमने अरेस्ट कर दिया है। संदीप जैन नाम का आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और वो हमारी हिरासत में है। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होते ही हमको पता चलेगा कि क्या मकसद था, क्या हुआ था लड़की के साथ। दूसरा, FIR दर्ज हो चुका है 302, 201 और SC/ST के मुकदमा उसके ऊपर 128/21 दर्ज हो चुका है। और NSA का कार्रवाई हम बिल्कुल करेंगे, बहुत हीनियस क्राइम हम मानते हैं और NSA का कार्रवाई शुरू हो चुका है। धन्यवाद। ठीक है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक अज्ञात स्थिति में 8 साल की लड़की की शव मिली थी। तो फिर उस पूरे प्रकरण को हमारे पुलिस विभाग के माध्यम से और हमारे कप्तान साहब की मौजूदगी में, SP सिटी की मौजूदगी में और संबंधित CO सिटी की मौजूदगी में करगव मंदिर के आसपास इलाके में जो मिला था उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन किया गया था। इन्वेस्टिगेशन हमारे स्निफर डॉग टीम्स के माध्यम से और अन्य पुलिस विभाग की जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया से पूरी कर लिया था। तो जो अक्यूज्ड है संदीप जैन, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। ये जो बालिका की पोस्टमार्टम की जा रही है, पोस्टमार्टम के पश्चात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अनुसार जो भी कांड किया गया था उसको हम लोग कन्फर्मेशन दे देंगे और जो ये कांड किया था उस आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी हम लोग तय कर रहे थे और उनका गिरफ्तार भी हो चुका था। उनसे अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और उनके सारे परिवार वालों से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। पता चला था कि वो एक मजदूर परिवार से जुड़े हैं और उनके परिवार भी वही के आसपास में काम करते हुए रहते हैं। सर, घटना को अंजाम देने का कारण क्या था? अब वो तो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में है, तो फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे ये सारी बच्ची के साथ हुआ। अब वो उस संबंध में मुझे ये कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अब तो यही है कि जो अरेस्ट हुआ था उनके जो ब्लड स्टेन्स के हिसाब से जो हम लोगों को मौखिक एविडेंस मिला था, तो फिर तो उनको हम लोग एक्यूज मानते हैं। गिरफ्तारी कुछ बताया तो होगा कि कैसे क्या किया, उसका इंट्रोगेशन अभी हुआ? वो शायद आप लोग कप्तान साहब से बात कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन अभी होने वाली है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने वाले हैं। लेकिन जो मौखिक एविडेंसेस के आधार पर, जो ब्लड स्टेन्स के आधार पर, हम लोग उसको एक्यूज मानते हैं और उनको इसलिए गिरफ्तार किए थे और बाकी अन्य कार्रवाई है जो कानूनी तहत जो होना है वो सारी चीज़ हम लोग पूरी कर रहे हैं। 302 और 200